हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पांडा वेब, और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों, अभी मैं हूं इंडियन रेलवे के हम सफ़र एक्सप्रेस में, और ये है इंडियन रेलवे का थर्ड एसी कोच। तो थर्ड एसी कोच में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की फैसिलिटी होती है और क्या क्या आपको दिया जाता है। थर्ड एसी कोच में एक कैबिन में 8 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है। एक साइड में 3 नीचे, और एक ये मिडिल बर्थ हो गया, मिडिल बर्थ कुछ इस तरीके से ऊपर हो जाता है, तो एक यहाँ पे और ऊपर। इसमें आपको लाइट, चार्जिंग सारी चीज़ें दी जाती है, ग्लास, और इस साइड में सेम ही ऐसे इसके सामने बना हुआ है। 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, एक नीचे बैठता है, एक ऊपर। इसमें भी आपको लाइट, चार्जिंग सबकी व्यवस्था मिलेगी। थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इसमें ट्रैवल के दौरान कंबल दिया जाता है, ब्लैंकेट दिया जाता है, आपको अलग से लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको थर्ड एसी कोच में, सेकंड एसी कोच में दिया जाता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर मैं थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे खाना भी दिया जाएगा क्या? सभी ट्रेनों में नहीं दिया जाता, जैसे कि राजधानी शताब्दी जैसी ट्रेनों में आपको फूड दिया जाता है, वो भी आपको टिकट बुकिंग के टाइम पे उसमें टिकट में इंक्लूड करवाना होगा कि आपको फूड भी चाहिए यात्रा के दौरान। अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो आपको ट्रैवल के टाइम पे खाना नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप अलग से खाना लेना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको बिल पे करना होगा, जो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, और उसको बाद आपको खाना दिया जाएगा। तो ये होता है इंडियन रेलवे का थर्ड एसी, सेकंड एसी कोच की फैसिलिटी, और ये सारी चीज़ आपको मिलती है देखने को। तो ये ट्रेन अभी आनंद विहार में आके रुकी हुई है, और अभी जो ब्लैंकेट होता है यूज़ होने के बाद, ये सारे वॉश के लिए जाएंगे, और उसके बाद फिर वापस दूसरे यात्रा में आप लोगों को ये ब्लैंकेट दिया जाएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।